हेलो दोस्तों, हम लोग आज नवीन राज्यों का गठन को रटने का प्रयास करेंगे। वो भी किससे? ट्रिक से, ट्रिक के माध्यम से रटेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम लोग रटने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, ठीक है? तो देखिए, बंगाल को हम कैसे रखेंगे, बंगाल का स्थापना किसने किया था, नवीन राज्यों का गठन में स्थापना से रटेंगे कि बंगाल का स्थापना किसने किया था। तो बंगाल का एक शहर है, बंगाल का एक शहर है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद याद आपको होगा, पता है आपको, अगर मुर्शिदाबाद के बारे में जानते हैं तो। मुर्शिदाबाद किसके नाम से पड़ा? तो मुर्शिद कुली खान के नाम से। तो ठीक है, तो यहां से पकड़ के आप मुर्शिद कुली खान याद रखिएगा। क्या रखिएगा? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान रखिएगा, ठीक है? यानी बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। और राजधानी का नाम कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद बनाया था, ठीक है? बाद में भले कलकत्ता बना, कलकत्ता से फिर धीरे धीरे दिल्ली बन गया, वो बात अलग है, इस तरह से विस्तार हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1719-20 में, ठीक है? 1719-20 में बंगाल का स्थापना हुआ था। किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। कैसे हम लोग रटेंगे? मुर्शिदाबाद शहर है बंगाल में, वहां से रट लेंगे मुर्शिद कुली खान। दूसरा है, दूसरा आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, इस तरह से आप याद रखिए, हैदराबाद का निजाम। ट्रिक निजाम रहेगा क्योंकि बहुत प्रचलित नाम है, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। यानी स्थापना किसने किया था? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ठीक है? निजाम उल मुल्क कब किया था? 1724 में, 1724 में। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चिनक्लिज खां के नाम से भी जानते हैं। चिनक्लिज खां हम कहीं लिख दें, यहां लिख देते हैं चिन क्लिज, चिन क्लिज खां, चलो ठीक है, लिख दिए चिन क्लिज खां के नाम से जानते हैं। तो हैदराबाद का निजाम और बंगाल को, बंगाल का शहर है, बंगाल में एक शहर है मुर्शिदाबाद, इसलिए मुर्शिद कुली खां के नाम से ही मुर्शिदाबाद का शहर का नाम पड़ा था। तो ठीक है, तो बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने। हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? तो चिन क्लिज खां ने किया था। चिन क्लिज खां यानी निजाम उल मुल्क, हैदराबाद निजाम, हैदराबाद का निजाम से आप ठीक से रखिएगा। भरतपुर, भरतपुर जाएंगे चूड़ा खाने के लिए, क्योंकि जानते हैं भरतपुर में चूड़ा बहुत ज्यादा मिलता है। तो चूड़ामन, चूड़ामन, चूड़ामन इसका स्थापना किया था, ठीक है? चूड़ामन नामक शासक ने इसका स्थापना किया था। भरतपुर क्या हो जाएंगे? चूड़ा खाने जाने के, चूड़ा धान कटेगा, चूड़ा खाएंगे, कहाँ जाके? भरतपुर में जाएंगे। देखिए, अवध और कर्नाटक में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं कर्नाटक का भी चर्चा यहीं कर देता हूँ, ठीक है? अगला, ताकि आपको एक साथ याद हो जाए। देखिए, अवध छोटा नाम, कर्नाटक थोड़ा सा बड़ा नाम, दोनों में सा आदत लगा हुआ, सा आदत, सा आदत इसमें भी, सा आदत इसमें भी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है? सा आदत इसमें भी, सा आदत इसमें भी। इसमें सिर्फ सा आदत खां है, इसमें सादत उल्ला है, सादत उल्ला खां है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिएगा? अवध में आदत लगा था, आ से अवध, आ से आदत, ठीक है? अवध में आदत लगा था, सा आदत लगा था अवध में, अवध में आदत लगा था, तो आदत खां, आदत खां। अवध में छोटा आदत, क्योंकि अवध खुद छोटा छोटा नाम है, आबाद तीन अक्षर का, तो अवध छोटा आदत, सिर्फ आदत खां। और कर्नाटक थोड़ा बड़ा है, तो सा आदत उल्ला खान, थोड़ा सा कर्नाटक चार अक्षर का हो जाता है, थोड़ा बड़ा है, तो सा आदत उल्ला खान। बात समझ गए? याद हो गया होगा, अवध का सा आदत खान सिर्फ छोटा है, तो आदत खान, सा आदत खान, और कर्नाटक में सा आदत उल्ला खान, ठीक है? तो अवध का स्थापना कब कब हुआ था ये भी रख लीजिए आपका, 1722 में। और कर्नाटक, कर्नाटक का 18वीं सदी कर लीजिए ऐसा ही डायरेक्ट, सब तो 18वीं सदी में ही हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये सब औरंगजेब के मरने के बाद ये सब एक्टिव हुआ था। तो इतना आपको याद हो गया होगा, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद का निजाम, भरतपुर में चूड़ा खाने जाएंगे तो चूड़ामन, अवध में सादत खां, और कर्नाटक में सादत उल्ला खां, सादत उल्ला खां, ठीक है? फिर नेक्स्ट बच गया आपका जयपुर। जयपुर किसके नाम से जयपुर का नाम पड़ा है? राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, जय सिंह से नाम पड़ा जयपुर का, ठीक है? तो जयपुर भी तो आपका हो गया काम, सवाई राजा जय सिंह, आप उसको जैसे भी कहिए, सवाई राजा, जब लिख दीजिए पूरा सवाई राजा जय सिंह, ठीक है? ठीक है। और रुहेल और बंगस, रुहेल और बंगस का स्थापना किसने किया था? तो रुहेल और बंगस का बंगस खां,
बंगस खां, ठीक है, क्योंकि नाम पर नाम आ रहा है, रोहेल का राजा बंगस खां, चलिए ठीक। और मैसूर, मैसूर का स्थापना किसने किया? तो मैसूर का एक ट्रिक आपको मैं ये बता देता हूं कि मैसूर का आप शेर किसे कहते, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के जो पापा जी हुए, टीपू सुल्तान के पापा जी कौन है? हैदर अली। तो मैसूर का स्थापना हैदर अली किए, हैदर अली, हैदर अली का नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान के ये पप्पा जी थे। तो मैसूर की स्थापना हैदर अली किए, रोहेल और बंगस का स्थापना बंगस खान, जयपुर का राजा जय सिंह, सवाई का राजा जय सिंह, नाम तो सुने होंगे, कर्नाटक का तो अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था, कर्नाटक थोड़ा बड़ा नाम था, तो सआदतुल्ला खान, सआदतुल्ला, क्योंकि आबाद में सआदत खली था, इसमें सआदतुल्ला खान था, बात समझ गए? तो आपको इजी से याद हो गया होगा, अगर याद हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।